बच्चों ये है हमारा लेक्चर टू जीरो नाइन और हम कर रहे हैं आपकी साइंस की एन में से चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सो ये चैप्टर है फोर्टीन आपकी एन में और हमने ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देख ली थी पिछले लेक्चर में पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देख ली थी अब हम करेंगे इसकी एन एक्सरसाइज सॉल्व सो so, पेज नंबर वन पे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन वन है इन द ब्लैंक्स ए मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ सो मोस्टली जो लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो किसके सॉल्यूशंस होते हैं एसिड्स के बेस के एंड के सो दे आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट ठीक है सो लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो किसके सॉल्यूशंस होते हैं एसिड्स के बेसिस के और सोल्ट के द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉसिस ब्लैंक इफेक्ट्स सो जो इलेक्ट्रिक करंट अगर पास होता है किसी सॉल्यूशन से तो कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस करता है सो इलेक्ट्रिक करंट अगर पास होता है किसी सॉल्यूशन से तो वो प्रोड्यूस करता है केमिकल इफेक्ट If you pass current through copper सल्फेट solution, copper gets deposited on the plate connected to the blank terminal of the battery. अगर आप सपोज करंट पास कर रहे हो करंट पास कर रहे हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से सो so, जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से करंट पास करोगे तो कॉपर कहाँ डिपोजिट होगा कॉपर एक प्लेट पे डिपोजिट होगा जो कि कौन से टर्मिनल पे अटैच होगी नेगेटिव सो कॉपर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे कॉपर uh, जो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की प्लेट पे डिपोजिट होगा द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ऑफ एनी डिजाइन मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक मेटल को दूसरे मेटल पे चढ़ा देना उसे कहते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग इलेक्ट्रो प्लेटिंग ठीक है इलेक्ट्रिसिटी so की मदद से जब आप एक मेटल को दूसरे मेटल पे चढ़ा देते हो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्वेश्चन टू वेन द फ्री एंड्स ऑफ अ टेस्टर आर अ सोल्यूशन द नीडल शोज डिफ्लेक्शन कैन यू एक्सप्लेन द रीजन देखो जब टेस्टर्स के फ्री एंड्स होते हैं टेस्टर्स मतलब किसी भी किसी से अटैच ना हो फ्री एंड्स होते हैं टेस्टर के अगर आप उसको सॉल्यूशन में डिप कर दोगे सॉल्यूशन में डाल दोगे तो जो मैग्नेटिक नीडल है डिफ्लेक्शन देगी क्यों तो देखो ये एक्सपेरिमेंट है कह रहा है कि ये जो फ्री एंड्स हैं ये इसके फ्री एंड से टेस्ट करके ये सॉल्यूशन में डिप कर दिए गए हैं ठीक है सो तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्शन देगी डिफ्लेक्शन देने का मतलब क्या हो इस पर करंट पास हो रहा है सो तो इसका रीज़न पूछ रहा है क्यों सो क्वेश्चन टू पूछ रहा है सोल्यूशन द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन क्या पूछ रहा है कि जब uh, tester, tester ends, जब फ्री फ्री ऑफ अ टेस्टर टेस्टर के में डिप किए जाते हैं मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन दिखाती है क्या रीजन क्या हो सकता है इस चीज का सो यस वी कैन एक्सप्लेन द रीजन रीजन एक्सप्लेन करी जा सकती है इस चीज की द मैग्नेटिक नीडल विच शो डिफ्लेक्शन वेन सर्किट इज कम्प्लीट कब मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन दिखाएगी कब उसका कांटा हिलेगा जब सर्किट कंप्लीट होगा सर्किट कंप्लीट होना मतलब सब कुछ अवेलेबल होगा बैटरी होगी वायर होगा सब कुछ अवेलेबल होगा सब कंप्लीट होगा तो ही वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल शोज दैट द सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर सो जो ये मैग्नेटिक नीडल है जो डिफ्लेक्ट करती है वो यही दिखाती है कि सॉल्यूशन गुड कंडक्टर रहा होगा तभी डिफ्लेक्ट हुआ अगर सॉल्यूशन बैड कंडक्टर होता तो करंट पास नहीं होता पर सॉल्यूशन गुड कंडक्टर है सो so, रीजन क्या है कैन यू एक्सप्लेन द रीजन द रीजन इज सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर गुड कंडक्टर है सर्किट कंप्लीट है दो रीजन है सर्किट कंप्लीट है और गुड कंडक्टर है इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई ठीक है और जो मैग्नेटिक uh, कंपस है वो डिफ्लेक्ट हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द थ्री लिक्विड्स विच वैन टेस्टेड इन द मैनर शोन इन फिगर फोर्टीन पॉइंट वन मे कॉस मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट सो कह रहा है तीन लिक्विड्स के नाम लो जो फिगर फोर्टीन पॉइंट वन में दिखाए गए हैं कि उसमें मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो पाए सो फिगर दी गई है आपकी एन सी आर देख लेते हैं So, देखो तीन चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है तीन लिक्विड्स हैं कौन एसिड्स, बेसिस एंड सोल्स तो आपको कोई भी एग्जाम्पल लिख देना है सो so, एसिड का क्या एग्जाम्पल होगा एसिड का एग्जाम्पल होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेस का क्या एग्जाम्पल होगा बेस का एग्जाम्पल होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सॉल्ट का एग्जाम्पल होगा टैप वाटर ठीक है सो so, ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड और टैप वाटर अब देखते हैं फोर्थ नंबर फोर्थ नंबर में पूछ रहा है द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन फिगर फोर्टीन पॉइंट टू लिस्ट द पॉसिबल रीजन एक्सप्लेन योर आंसर कह रहा है ये जो फिगर है ना इस फिगर में बल्ब जला नहीं ये जो सेटअप है जो इस तरह से अगर जो सर्किट ड्रॉ किया गया ये बैटरी ये बल्ब ये इलेक्ट्रोड सो so, इस तरह से जब सेटअप किया गया तो बल्ब जला नहीं सो so, उसके कारण क्या है उसके रीजंस क्या है कि बल्ब क्यों नहीं जला द पॉसिबल रीजंस मे बी सो पॉसिबल रीजन क्या क्या हो सकती है बल्ब नहीं जलने की कि इस सेटअप में बल्ब क्यों नहीं जला सो फर्स्ट रीजन है द कनेक्शन ऑफ द सर्किट में लूज शायद जो ये सर्किट के कनेक्शन है वो लूज हो गए हो शायद ऐसा हो सकता है दूसरा कार रीजन uh, हो सकता है कि बल्ब में बी फ्यूज शायद बल्ब फ्यूज हो गया हो तीसरा रीजन हो सकता है सेल्स मे बी यूज अप शायद वो जो सेल बैटरी में सेल यूज हुए हैं जो बैटरी है वो यूज हो गई हो या तो मतलब भाई अब उसमें अब वो काम ना कर रही हो चौथा द लिक्विड में भी पुअर कंडक्टर चौथा कारण हो सकता है कि लिक्विड शायद पुअर कंडक्टर हो सकता है सो so, इस डायग्राम इस में चार क्या क्या चीजें हो सकती है जिसकी वजह से कि भाई अ बल्ब ग्लो नहीं हुआ सो so पहला रीज़न कनेक्शन शायद लूज हो गया हो दूसरा बल्ब शायद फ्यूज़ हो बल्ब फ्यूज़ हो तीसरा सेल्स में भी यूज अप जो बैटरी यूज़ हुई है सेल यूज हुए हैं वो यूज अप हो गए हो, चौथा लिक्विड में भी पुअर कंडक्टर ये जो लिक्विड यूज़ हुआ है वो शायद पुअर कंडक्टर हो ठीक है सो so ये चार रीजंस हो सकती हैं कि बल्ब ग्लो नहीं हुआ हो क्वेश्चन फाइव अ टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स लेबल्ड ए एंड बी इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए वाइल इट ग्लोज वेरी डिमली फॉर लिक्विड बी यू वुड कंक्लूड दैट सो देखो यहाँ पे अ टेस्टर इज़ यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स दो लिक्विड्स हैं ए और बी करके नाम लिखे गए हैं और उस टेस्टर से चेक किया जाता है कि दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो रही है सो इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए सो आप क्या देखोगे आप ये देखोगे कि भाई जो टेस्टर का बल्ब है वो बहुत ब्राइटली ग्लो करेगा लिक्विड ए के लिए लिक्विड ए के लिए बल्ब बहुत अच्छे से ग्लो करेगा वाइल इट ग्लोज वेरी डिमली फॉर लिक्विड बी जबकि लिक्विड बी के लिए बहुत ही डिम होगा वो बल्ब सो so, ये आपने देखा ठीक है ए में जो बल्ब है बहुत अच्छे से जल रहा है बी में बहुत डिमली जल रहा है यू वुड कंक्लूड दैट सो आप क्या कंक्लूड करोगे अब इन चारों में से एम में से एक ऑप्शन आपको ढूंढना है पहला एमसी का ऑप्शन लिक्विड ए इज़ अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी लिक्विड ए ज़्यादा बेटर है लिक्विड बी से सेकेंड लिक्विड बी इज़ बेटर देन लिक्विड ए लिक्विड बी बेटर कंडक्टर है थर्ड बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग लिक्विड ए लिक्विड बी दोनों इक्वली कंडक्टिंग है और फोर्थ है कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयरड इन दिस मैनर सो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो सो so, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है सो so, फर्स्ट वाला सही है लिक्विड ए इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी ऑब्वियसली लिक्विड ए से भाई बल्ब ब्राइटली ग्लो हुआ और लिक्विड बी में ग्लो नहीं हुआ डिमली ग्लो हुआ सो इसीलिए लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सिक्स देखो डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ नॉट वॉट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्योर वाटर जो प्योर पानी होता है प्योर वॉटर होता है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है अगर नहीं कर सकता तो हम क्या कर सकते हैं कि वो कंडक्टिंग हो जाए मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके आप क्या कर सकते हो सो द आंसर इज नो द्योर वाटर डज नाट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्योर वाटर है वो नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों क्योंकि प्योर वाटर में कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती सॉल्ट नहीं होता है इसी लिए सो so आप उसको कंडक्टिंग कैसे बना सकते हो सो प्योर वाटर कैन बी मेड कंडक्टिंग बाय डिजॉल्विंग सॉल्ट इन इट जब आप उसमें सॉल्ट मिला दोगे तो प्योर वाटर भी कंडक्टिंग हो जाएगा ठीक है सो so, दो आंसर्स हैं इसके डस प्योर वाटर कंडक्ट सो नो इफ नॉट वॉट कैन वी डू इट तो अगर नहीं तो हम क्या कर सकते हैं सो प्योर वाटर को कंडक्टिंग बनाने के लिए सॉल्ट डिजोल्व कर लो और वो कंडक्टिंग हो जाएगा क्वेश्चन सेवन केस ऑफ अ फायर बिफोर द फायर मैन यूज द वॉटर दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया एक्सप्लेन वाई दे डू दिस अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जब भी कोई भी आग लगती है तो जो फायरमैन होते हैं पानी डालने से पहले वो अपने जो वाटर होसेस यूज़ करें वो यूज़ करने से पहले दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर द एरिया वो उस एरिया की पूरी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है मेन सप्लाई है वही बंद कर देते हैं एक्सप्लेन वाई दे डू दिस वो लोग ऐसा क्यों करते हैं फायरमैन जब भी आग बुझाने आते हैं सो अपने जो वाटर होसेस यूज़ करते हैं सो so, वो यूज़ करने से पहले वो क्या करते हैं वो यूज़ करने से पहले वो पूरे जो एरिया है उसका कनेक्शन ही बंद कर देते हैं किसका कनेक्शन लाइट का कनेक्शन मेन कनेक्शन मेन स्विच बंद कर देते हैं क्यों सो रीज़न है द वाटर यूज इन वाटर होसेस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अब जो ये पानी यूज करते हैं हाउस में इम्प्योर पानी होता है तो वो वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का Hoses मतलब जिससे वो पानी बुझाने के लिए जो पानी लाए होते हैं फायर मैन ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई बिकॉज़ इफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूज इलेक्ट्रो मेंशन ड्यू टू वाटर सो अगर फायरमैन मेन सप्लाई बंद नहीं करेंगे सो so इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब उनको खुद को शॉक लग सकता है ठीक है सो so, अगर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कंटिन्यू रहा सो हाई रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन ड्यू टू वाटर पानी की वजह से उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है क्यों क्योंकि वो जो पानी होज में भर के लाते हैं वो होता है गुड कंडक्टर गुड कंडक्टर मतलब उसमें सॉल्ट वगैरह इम्प्यूरिटीज होती हैं ऑब्वियसली पानी जो उनको आग पे डालना है उसके लिए थोड़ी प्योर या स्टिल वाटर लाएंगे महंगा पड़ता है ऑब्वियसली सो so, वो ऐसे ही टैप वाटर ले आते हैं होज में भर के सो so, वो होज का पानी जब डालते हैं गुड कंडक्टर है सो so, आग सपोज बिजली से लगी हो तो करंट ही लग जाएगा तो इसलिए वो क्या करते हैं मेन सप्लाई बंद ही करा देते हैं ठीक है सो हमेशा ये जो फायर फाइटर्स uh, होते हैं फायरमैन होते हैं आते ही वो मेन कनेक्शन बंद करा के फिर वो आग में पानी डालते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन एट चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो द सी वाटर विद अभी एक चाइल्ड है एक बच्चा है जो कि एक कोस्टल रीजन में रहता है कोस्टल मतलब एक समुद्री तट एक तट के किनारे रहता है वो क्या करता है ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी टेस्ट करता है और वहाँ का सी वाटर समुद्र का पानी भी टेस्ट करता है ही फाइंड एट द कम्पस्ट नीडल डिफ्लेक्ट्स मोर इन केस ऑफ सी वाटर तो वो देखता है जो कंपस नीडल है जो कंपस है नीडल उसकी नीडल बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है हिलती है किसमें इन केस ऑफ सी वाटर समुद्र के पानी में समुद्र का पानी जब टेस्ट कराता है तो उसमें कंपस नीडल बहुत हिलती है बहुत फ्लक्चुएट होती है पर ड्रिंकिंग वाटर में वो बहुत फ्लक्चुएट नहीं होती है कैन यू एक्सप्लेन द रीजन इसका कारण क्या है सो सी वाटर आंसर है सी वाटर कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट देन ड्रिंकिंग वाटर सो जो समुद्र का पानी होता है उसमें नमक ज्यादा होता है नमकीन होता है ज्यादा ड्रिंकिंग वाटर के पीने के पानी पीने का पानी ऑब्वियसली ज्यादा प्योर होता है सी वाटर में सॉल्ट होता है सो द सी वाटर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो क्योंकि सी वाटर समुद्र का पानी में सॉल्ट है इसलिए वो बेटर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और यही रीजन है जो कंपस नीडल है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती है सी वाटर के केस में सो so, सी वाटर के केस में कंपस नीडल ज्यादा इसलिए डिफ्लेक्ट होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंडक्टिंग है वो बहुत ज्यादा कंडक्टिंग क्यों है क्योंकि उसमें सॉल्ट है और सॉल्ट सी वाटर में ही होती है सॉल्ट जो है ड्रिंकिंग वाटर में नहीं होती है क्योंकि पीने का पानी होता है अगर उसमें सॉल्ट होती तो अनसेफ होता ठीक है सो अब देखते हैं क्वेश्चन नाइन सो इसलिए चाइल्ड जो है चाइल्ड को कंपास नीडल ज्यादा डिफ्लेक्ट करती हुई दिखी सी वाटर में क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट हो रही थी क्वेश्चन नाइन क्वेश्चन नाइन क्या बोल रहा है इज इट सेफ फॉर इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर रिपेयर आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर एक्सप्लेन कह रहा है कि क्या किसी इलेक्ट्रिशियन के लिए क्या किसी इलेक्ट्रिशियन के लिए सेफ है कि वो रिपेयरिंग का काम करे घर के बाहर आउटडोर्स मतलब कहीं बाहर की जगह पे आ, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग का काम करे ड्यूरिंग हैवी डाउन पोर्स मतलब हैवी डाउन मतलब जब बहुत भारी बारिश पड़ रही है उस समय इलेक्ट्रिशन बाहर का काम करे इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी का, का काम करे वो क्या सही है मतलब बाहर के इलाकों में सो आंसर नो इट इज नॉट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर सो इलेक्ट्रिशियन के लिए अगर वो उसको इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग का काम करना है तो बहुत भारी बारिश या बहुत तेज बारिश में नहीं करना चाहिए रीजन क्या है इट इज बिकॉज ड्यूरिंग हैवी डाउन पोर देयर इज अ हायर रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन सो फिर से अगर इतनी तेज बरसात पड़ रही हैवी डाउनपोर हो रहा है सो so, इलेक्ट्रोक्यूशन का रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी की रक इलेक्ट्रिसिटी uh, की वजह से लगने वाले शॉक का रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि uh, उस पर पानी गिरेगा और पानी बारिश का पानी क्या होता है बारिश का पानी नमकीन होता है सॉल्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे वो गुड कंडक्टर होता है सो so, इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिसिटी अगर उसमें रिपेयर करेगा और बारिश का पानी गिरेगा बारिश का पानी गुड कंडक्टर है So, क्या करेगा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देगा और शॉक भी लग सकता है टेंथ नंबर टेंथ नंबर क्वेश्चन है पहली हैड हर्ड रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल वाटर पहली ने ऐसा सुन रखा था कि जो बारिश का पानी है वो एक डिस्टिल वाटर जितना ही अच्छा होता है डिस्टिल वाटर एकदम प्योर वाटर होता है फुल प्योर वाटर सो रे बारिश का पानी डिस्टल वाटर जितना अच्छा होता है ऐसा पहेली ने सुन रखा था सो शी कलेक्टेड सम इसलिए वो कुछ कलेक्ट करती है रेन वाटर इन अ क्लीन ग्लास टम्बलर सो वो रेन वाटर कलेक्ट करती है एक ग्लास में कलेक्ट करती है और उसको टेस्ट करती है टेस्टर की मदद से टू अर सरप्राइज दैट द नीडल शोड डिफ्लेक्शन वो हैरान हो जाती है देख के कि जब वो रेन वाटर को टैप करती है तो नीडल डिफ्लेक्शन दिखाती है वॉट कुड बी द रीजन अब देखो चुटकी पहेली ने ऐसा सुन रखा था कि भाई जो बारिश का पानी होता है बहुत ज्यादा प्योर होता है डिस्टिल वाटर की तरह तो वो सोचती है कि भाई प्योर होता है तो इसने इतना भी पढ़ा था कि प्योर होगा तो अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो भाई करंट पास होगा ठीक है अगर मतलब बारिश का पानी प्योर है तो करंट पास नहीं होगा मतलब डिफ्लेक्शन नहीं होगा सो so, उसको बिल्कुल यकीन था कि भाई क्योंकि प्योर है डिस्टिल वॉटर है मैंने सुना है कि बारिश का पानी डिस्टिल वाटर की तरह प्योर होता है सो so करंट पास नहीं होगा कंपस नीडल फ्लक्चुएट नहीं करेगा बट टू हर सरप्राइज वो हैरान हो जाती है देख के कि बारिश के पानी का जब वो टेस्ट करती है तो कंपास नीडल क्या करता है डिफ्लेक्शन दिखाता है तो रीजन क्या क्या हो सकते हैं सो रेन वाटर इज लाइक डिस्टिल वॉटर बट सम इम्प्यूरिटीज आर मिक्सड इन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर सो जो रेन वाटर है रेन वाटर क्या होता है डिस्टिल वॉटर ही होता है पर वैसे सही बात है कि रेन वाटर डिस्टल वाटर की तरह ही होता है मतलब प्योर ही होता है पर क्या हो जाता है हमारे क्योंकि रेन वाटर ऊपर से नीचे गिरता है तो एटमोसफियर से मिल जाता है वातावरण से मिल जाता है सो वातावरण में जो इम्प्यूरिटीज होती हैं जो एयर में जो इम्प्यूरिटीज होती हैं वो इसमें मिल जाती हैं ठीक है सो वातावरण की इम्प्यूरिटीज भी इसमें मिल जाती हैं सो ये जो इंप्योरिटीज हैं ये रेन वाटर को कंडक्टिंग बना देती है मतलब रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है मतलब कंडक्टर बन जाता है सो दिस कुड बी द रीजन फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल यही कारण है सो so कारण क्या है हाँ रेन वाटर डिस्टिल वाटर होता है प्योर होता है पर क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से घूमता घूमता धरती पे आता है तो बहुत सारी इंप्योरिटीज उसमें आ जाती हैं सॉल्ट इम्प्यूरिटीज और उसी के कारण वो कंडक्टिंग हो जाता है और फिर इसीलिए जब आप इसकी टेस्टिंग करते हो तो कंपास नीडल कंपास नीडल क्या करता है डिफ्लेक्ट करता है ठीक है सो यही कारण है कि पहेली ने जब चेक किया कि रेन में की वजह से कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है कि नहीं तो डिफ्लेक्ट हुई ठीक है अच्छा अब देखते हैं इलेवंथ नंबर सो इलेवंथ नंबर क्या है सो इलेवेंथ नंबर है प्रिपेयर ऑफ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड आपके इर्द गिर्द चीजों की लिस्ट बनाओ जो कि इलेक्ट्रोप्लेटेड है इलेक्ट्रोप्लेटेड मतलब कोटिंग की गई है वैसी चीजों की लिस्ट बनाओ आंसर पॉट्स ऑफ मेटल्स ठीक है जो घड़े होते हैं मेटल्स के वो इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं बार्थ टैब्स, ठीक है नल होते हैं वो भी इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं ऑर्नामेंट्स सो ऑर्नामेंट्स भी इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं रिम्स ऑफ व्हीकल्स जो वहीकल्स होते, होते हैं उनके रिम्स भी इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं हैंडल बार ऑफ साइकल्स एंड मोटरसाइकल्स ये भी आपने कल पढ़ाई था आपकी एन में कि साइकल्स के हैंडल बार मोटर मोटरसाइकल्स के हैंडल बार वो भी होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटेड किचन गैस बर्नर ठीक है किचन के जो गैस बर्नर हैं वो भी इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स कुकिंग यूटेंसिल्स का जो निचला हिस्सा है वो भी इलेक्ट्रोप्लेटेड होता है फिर इसके बाद हैंडल्स ऑफ डोर्स जो डोर्स के हैंडल्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रोप्लेटेड uh, होते हैं टिन कैंस जो कैंस uh, होते हैं टिन के वो भी इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं ठीक है सो इलेक्ट्रोप्लेटेड क्या क्या होते हैं पॉट्स ऑफ मेटल जो घड़े होते हैं मेटल के वो बाथ uh, टैप्स ऑर्नामेंट्स व्हीकल के रिम्स हैंडल बार ऑफ साइकिल्स एंड मोटरसाइकल्स किचन गैस बर्नर बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स हैंडल्स ऑफ डोर्स टिन कैन ये सब होते हैं इलेक्ट्रो प्लेटेड क्वेश्चन ट्वेल्व है क्वेश्चन ट्वेल्व द प्रोसेस दैट यू सॉ इन एक्टिविटी फोर्टीन पॉइंट सेवन सो so, एक प्रोसेस जो आपने एक्टिविटी फोर्टीन पॉइंट सेवन में देखा था इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर तो वो प्रोसेस कॉपर प्यिफिकेशन के लिए यूज होता है अ थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर एंड अ थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर आर यूज एस इलेक्ट्रोड्स। सो एक दो प्लेट्स यूज होती हैं प्योर कॉपर की थिन प्लेट और इम्प्योर कॉपर का थिक रॉड यूज होता है इलेक्ट्रोड के तौर पर

कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल पे अटैच होना चाहिए और क्यों सो so आंसर है द रॉड ऑफ कॉपर प्लेट शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सो जो कॉपर प्लेट है जो रॉड है वो किस किससे कनेक्ट होनी चाहिए जो कॉपर uh, रॉड है कॉपर प्लेट की रॉड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होनी चाहिए बिकॉज वेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट डिसोसिएट्स इनटू कॉपर एंड सल्फेट क्यों क्या होता है जब इलेक्ट्रिक करंट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास कराया जाता है कौन सी सॉल्यूशन होती है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होती है सो so, जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है तो कॉपर और सल्फेट में ब्रेक डाउन हो जाती है द फ्री कॉपर ड्रॉन टू दिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी गेट्स डिपोजिटेड ऑन इट सो ये जो कॉपर निकलता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से जो कॉपर अलग हो जाता है वो कहाँ चला जाता है नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जाके डिपोजिट हो जाता है उसके उस पर जाके लग जाता है ऑन द अदर हैंड द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सल्यूशन वुड बी रिगेन फ्रॉम द इम्प्योर कॉपर रॉड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सो so, ये जो कॉपर सॉल्यूशन में से चला गया उसकी भरपाई कौन करेगा उसकी भरपाई पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी करेगा जिसमें मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ़ द बैटरी से जो कनेक्ट किया हुआ है इम्प्योर कॉपर रॉड वो भरपाई करेगा ठीक है so, सो क्या होगा फिर से देखो देखो जो कॉपर प्लेट की रॉड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करनी चाहिए सो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कनेक्ट करना चाहिए कॉपर प्लेट ठीक है सो अब जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट में ब्रेक हो जाएगा कॉपर जाके कहाँ लग जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पे लग जाएगा और जो लॉस चल, कॉपर uh, चला गया सॉल्यूशन में से तो उसकी भरपाई कौन करेगा उसकी भरपाई जो इम्प्योर कॉपर रॉड है उसमें से कॉपर वो उसकी भरपाई कर देगा ठीक है so, सो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर और सल्फेट में ब्रेक होगा और कॉपर कॉपर जाके कहाँ लग जाएगा सो so, कॉपर जाके लग जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पे जाके लग जाएगा ठीक है तो इस तरह से अच्छा इसका आ, हम डायग्राम भी देख लेते हैं सो ये है इसका डायग्राम जो कि आपको ड्रॉ करना है ठीक है सो ये डायग्राम आपको ड्रॉ भी करना है ये सब लिखने के बाद ये सब लिखने के बाद ये ड्रॉ करेंगे सो so, सेटअप देखो डायग्राम का कैसा है जो ये बीकर है इसमें कॉपर सल्फेट डला हुआ है ये दो रॉड्स हैं ठीक है सो so, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये कॉपर प्लेट है ये भी कॉपर प्लेट है ये बैटरी है ठीक है ये वायर है बहुत ही सिंपल सा सेटअप है सो so, इसी के साथ हमारे जो एन के एक्सरसाइज पूरी होती है इस चैप्टर की एन की जो भी क्वेश्चन थे बारह क्वेश्चन थे हमने बारह के बारह डिस्कस कर लिए सो so, बच्चों हमने टेक्स्ट बुक में से ये एनसीआर टी एक्सरसाइज पूरी कर दी बारह के बारह क्वेश्चन हमने सोलूशंस के साथ देख लिए एंड ट्वेल्थ वन में मैंने जो आपको डायग्राम दिखाया था वो भी आपको ड्रॉ करना है सो जस्ट एन इम्पॉर्टेंट थिंग एक आपका पीछे डिड यू नो है ये पेज वन एटी वन है इसके पीछे वन एटी थ्री पे वन एटी टू नहीं वन एटी थ्री पे डिड्यू नो you know है वो देखो सो डिड यू नो में क्या लिखा हुआ है एलईडी एलईडी LED का फुल फॉर्म क्या है लाइट एमिटिंग डायोड्स सो एल ई डीज जो कि लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं आर अवेलेबल इन मैनी कलर्स सच एज रेड ग्रीन येल्लो ब्लू वाइट एंड आर इंक्रीजिंगली बीग यूज फॉर मैनी एप्लीकेशंस सो जो एल ई डीज हैं लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं वो कौन कौन से कलर्स में अवेलेबल हैं वो अवेलेबल हैं रेड ग्रीन येल्लो ब्लू वाइट और ये जो एल ई डीज हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं बहुत ज़्यादा कामों के लिए बहुत सारा एप्लीकेशन हैं इनके फॉर एग्जाम्पल इन ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स सो जो ट्रैफिक सिग्नल के लाइट्स होते हैं एल ई डीज आर इंक्रीजिंगली बींग यूज फॉर लाइटनिंग सो जो एल ईडी का, का काम क्या है लाइटनिंग का है लाइट का काम uh, मतलब एल ई डी से आपको जैसे ये ग्रीन लाइट है ये सिग्नल मिलता है आपको सो एल ई डीज आर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंगली बींग यूज फॉर लाइटनिंग अ क्लस्टर ऑफ वाइट एल ई डीज ग्रूप्ड टूगेदर फॉर्म्स आ एलई डी लाइट सोर्स सो so, uh, जो वाइट एल हैं वाइट एल का अगर आप ग्रुप इकट्ठा करो सो so आपका एक एल लाइट सोर्स बन जाएगा सो एल लाइट सोर्स है वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और उसका लाइफ टाइम भी ज़्यादा होता है लाइट बल्ब या फ्लोरसेंट ट्यूब्स से सो so, एल जो है एल ई डी की लाइट्स ज़्यादा बेटर समझी जाती हैं किसके कंपेयर में बल्ब के और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स के इसलिए आजकल आपके मेरे हम सब के घरों में एलईडी लाइट्स चलती हैं आर ग्रेजुअली बिकमिंग द प्रिफर्ड लाइटनिंग सोर्स तो इसलिए एलईडी प्रिफर्ड लाइटनिंग सोर्स हो गया है ठीक है सो एलईडीज का फुल फॉर्म काम का है लाइट एमिटिंग डायोड्स वो उसके कलर्स बहुत सारे कलर्स हैं और एप्लीकेशन बढ़ता जा रहा है ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स में तो होता ही एलईडी यूज है सो so, एलईडीज जो है आ, लाइटनिंग के लिए भी काम आते हैं कैसे जो वाइट एल हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाता है और इन ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम कम करते हैं लाइफ टाइम ज़्यादा है मतलब लंबा चलते हैं सो so, ये लाइट बल्ब्स और फ्लोरोसेंट ट्यूब से बेटर हैं सो so, इसलिए वो हमारे अब फेवरेट लाइटनिंग सोर्स बन गए हैं ठीक है सो विद दिस इंफॉर्मेशन फाइनली हमने ये सारा चैप्टर पूरा किया हमने एनसीआर एक्सरसाइज भी देख ली एंड दिस डिड यू नो वॉज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ठीक है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है जस्ट आपको वो बारह क्वेश्चन लिखने एन सी आर टी के नाउ क्योंकि चैप्टर इज ओवर वी विल डिस्कस अ फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर वी विल सी फ्यू ऑफ द एम सी क्यूज सो ये एम सी क्यूज हम डिस्कस करते हैं डिस्कस करने के बाद आपको ये लिखने हैं आपकी नोटबुक में भी सो एम सी क्यूज में है फर्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक वायर इज A an insulator, B a conductor, C both of these, D none of these. Plastic wires, so wire plastic क्यों होती है? Plastic insulator है, conductor है, both of these, none of these. So plastic एक insulator है. Insulator का मतलब poor conductor, मतलब वो अपने से electricity pass नहीं होने देता. ठीक है? Conductor में कौन आते हैं? Metals आते हैं और plastic वगैरह किसमें आते हैं? वो आते हैं insulators में. ठीक है क्वेश्चन टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो मेथड है आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या था जब एक मेटल पे दूसरा मेटल चढ़ाया जाता है किसी टेक्निक से उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पे बेस्ड है फर्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या डी फिजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसका कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रो प्लेटिंग uh, है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों है वो इलेक्ट्रिक करंट की केमिकल इफेक्ट uh, की वजह से है ठीक है अच्छा अब थर्ड नंबर देखते हैं एडिंग कॉमन सोल्ट टू डिस्टल वाटर अगर आप डिस्टल वाटर एकदम प्योर पानी में अगर आप कॉमन सॉल्ट मिला दोगे अगर आप एकदम प्योर पानी में डिस्टल वाटर में अगर आप कॉमन सॉल्ट मिला दोगे सो क्या होगा वो पानी कैसा हो जाएगा ए गुड कंडक्टर हो जाएगा बी वो इंसुलेटर हो जाएगा सी नन कुछ भी नहीं होगा उसको और डी बोथ ए एंड बी सो so, अगर आप डिस्टिल वॉटर प्योर वाटर में अगर आप नमक डालोगे तो वो क्या हो जाएगा तो वो गुड कंडक्टर हो जाएगा ठीक है इतना तो अभी आपने पढ़ा ही है कि अगर आप प्योर वाटर में या डिस्टिल वॉटर में नमक डालोगे तो ऑब्वियसली वो गुड कंडक्टर हो जाएगा उसमें इम्प्यूरिटीज हो जाएंगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा फोर्थ नंबर एन इलेक्ट्रोलाइट इज सो एन इलेक्ट्रोलाइट इज ए मेटल बी अल्यूशन सी अक्विड दैट कंडक्ट करंट डी ऑल ऑफ अबव सो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट वो लिक्विड होता है जिससे करंट कंडक्ट होता है मतलब सॉल्यूशन ही होता है पर इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं क्योंकि उससे जो है करंट uh, जो है वो कंडक्ट होता है सो एन इलेक्ट्रोलाइट इसका सही ऑप्शन क्या है एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ लिक्विड दैट कंडक्ट्स करंट इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लिक्विड है जो करंट कंडक्ट करता है फिफ्थ नंबर कॉपर वायर इज अ गुड कंडक्टर पुअर कंडक्टर बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस सो कॉपर वायर क्या है कॉपर वायर कौन सा कंडक्टर है तो आपने पूरा एक्सपेरिमेंट किया उस पर सो ऑब्वियसली आप एक्सपेरिमेंट कर पाए कॉपर सल्फेट ब्रेक भी हुआ कॉपर में और सल्फेट में सो कॉपर सल्फेट क्या है ए गुड कंडक्टर है बी पुअर है सी बोथ ए एंड बी है डी नन ऑफ दीज है सो so, कॉपर है गुड कंडक्टर कॉपर वायर इज अ गुड कंडक्टर कॉपर वायर एक गुड कंडक्टर है ठीक है सिक्स्थ नंबर पुअर कंडक्टर्स आर पुअर कंडक्टर्स कौन कौन होते हैं कौन है इनमें से पुअर कंडक्टर्स कौन है ए प्लास्टिक्स बी क्लोथ्स सी वुड या डी ऑल ऑफ दीस सो इन चारों में से पुअर कंडक्टर कौन कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं वो कौन कौन है सो पुअर कंडक्टर है प्लास्टिक्स क्लोथ्स वुड देखो प्लास्टिक से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं आती है आप प्लास्टिक से करो हो नहीं होगी क्लोथ्स कपड़ों से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी वुड लकड़े से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी ऑल ऑफ दीस तो इन तीनों से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो डी ऑल ऑफ दीस ठीक है सेवंथ नंबर डिस्टिल्ड वाटर इज जो डिस्टिल्ड जो प्योर वाटर है ए पुअर कंडक्टर होता है बी गुड कंडक्टर सी बोथ ए एंड बी या डी नन सो so, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो कैसा कंडक्टर होता है डिस्टिल्ड वाटर पुअर कंडक्टर होता है क्योंकि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी खुद से पास नहीं होने देता क्यों क्योंकि डिस्टिल वाटर में कोई इम्प्योरिटी नहीं होती एकदम प्योर पानी होता है सो so कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है इसलिए उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता इसलिए वो पुअर कंडक्टर है डिस्टल वाटर इज अ पुअर कंडक्टर एट्थ नंबर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं इधर से उधर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग बी इलेक्ट्रिक करंट सी यू है इलेक्ट्रिक करंट सी इलेक्ट्रोड्स या डी इलेक्ट्रोलाइट तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक करंट की आप थोड़े हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे ये डिटेल में पढ़ोगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है फिलहाल के लिए आप याद रखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट का पैदा होना या प्रोड्यूस होना और कुछ नहीं है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो ही जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है ठीक है क्वेश्चन नाइन क्वेश्चन नाइन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से क्या प्रिवेंट होता है क्या बच, किस चीज का बचाव हो जाता है ए करंट बी केमिकल इफेक्ट सी रस्टिंग या डी ऑल सो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसको क्या बचाती है सो so, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से किस चीज क्या क्या सही रहता है करंट क्या करंट करंट को फ्लो होना रोकती है बी केमिकल इफेक्ट को रोकती है सी रस्टिंग या डी ऑल रस्टिंग का मतलब जंग लगना इलेक्ट्रो so, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हो तो आप कोई भी चीज को जंग लगने से बचाते हो होने से बचाते हो सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसीलिए की जाती है कि जंग लगने से बच जाए जैसे आपने पढ़ा था भाई आयन के ऊपर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग और जो आयन ब्रिजेस होती हैं उसके ऊपर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस होता है तो ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जिन पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो है मेथड होता है कई बारी जो हम मेटल उसके ऊपर इलेक्ट्रो प्लेट करते हैं बहुत ज्यादा महंगा होता है तो पूरा मटीरियल हम उसका नहीं बना सकते हैं सो तो खाली हम ऊपरी भाग बनाते हैं कई बार रस्टिंग से बचाने के लिए इलेक्ट्रो प्लेटिंग की जाती है सो तो एक दो कारण है कि जिनकी वजह से इलेक्ट्रो प्लेटिंग करनी पड़ती है टेंथ नंबर एंड इलेक्ट्रिक लैंप ग्लोज ड्यू टू एक इलेक्ट्रिक लैंप ग्लो करता है आपको बल्ब जलता है सो तो क्या कारण है केमिकल इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट या नन सो इलेक्ट्रिक लैम्प किसकी वजह से जलता है तो इलेक्ट्रिक लैम्प हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से सो so, आपने पढ़ा था कि फिलामेंट होता है जो बल्ब का वो हीटअप होता है हीटअप होता है और फाइनली इतना हीटअप होता है कि ग्लो हो जाता है सो so, ये हैं आपके दस एम ये दस के दस एमसी के आपको क्वेश्चन भी लिखने हैं चारों ऑप्शन लिखने हैं एंड फिर सही ऑप्शन भी आपको चूज करना है बच्चों ये एक और हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैच ए बी का है सो कॉलम ए और कॉलम बी हैं कॉलम ए में इन्होंने लिस्ट दी है इंसुलेटर बी कंड फर्स्ट इंसुलेटर टू कंडक्टर थ्री क्लोज्ड पाथ फोर्थ सॉल्यूशन ऑफ डिस्टिल वाटर एंड सॉल्ट फाइव इलेक्ट्रोप्लेटिंग सो कॉलम बी है ए इलेक्ट्रिक सर्किट बी कंडक्ट करंट सी प्रिवेंट रस्टिंग डी रबर या ई कॉपर ठीक है सो अब देखो जैसे जैसे समझ आता जाए वैसे वैसे करते जाते हैं सो इंसुलेटर सो इंसुलेटर क्या है सो so, इंसुलेटर मतलब पुअर कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है तो वो क्या होता है रबर देखो ये जो इवन ये रबड़ भी ठीक है सो ये रबड़ है इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी सो इंसुलेटर रबर सो ये फर्स्ट हुआ सेकेंड कंडक्टर सो कंडक्टर क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है सो ऑब्वियसली कॉपर आपने अभी अभी इसका एक्सपेरिमेंट भी देखा अभी अभी आ, आपने इलेक्ट्रो कॉपर सल्फेट था तो कैसे ब्रेक हुआ सो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर क्लोज पाथ क्लोज पाथ इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जब भी भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हो तो क्लोस्ड पाथ होना चाहिए वायर्स एकदम एक दूसरे एक से जुड़ी हुई होनी चाहिए सॉल्यूशन ऑफ डिजिटल वाटर एंड सॉल्ट जब आप डिजिटल वाटर में नमक मिला दोगे और सॉल्यूशन बना दोगे तो क्या होगा सो so, जब आप ऐसा करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा कंडक्ट करंट करंट प्रोड्यूस होगा फिफ्थ नंबर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब आप चीजों पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हो एक मेटल पे दूसरा मेटल चढ़वा देते हो उससे क्या होता है उससे रस्टिंग प्रिवेंट होती है मतलब रुकती है रस्टिंग जंग नहीं लगती है चीजों पर ठीक है सो दिस दिस वर द मैच द फॉलोइंग सो वॉट यू हैव टू डू टू डे यू हैव टू डू होल एनसीआर टी एक्सरसाइज देन यू हैव टू डू एम सी क्यूज एंड देन दिस मैच ए विथ बी सो राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी थैंक यू